अब्दुल मनन जी, बदजुबानी से चुनाव जीतेंगी क्या पार्टियां? अरे मुद्दों की राजनीति कीजिए, एक दूसरे पर हमला करके क्या हासिल होगा, इससे जनता को क्या मिलेगा? चित्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनके पास मुद्दों की कंगाली है और मुद्दों की कंगाली की वजह से बीजेपी तो जब से सत्ता में आई है तभी से यही सब इशू बताती रही है। कोई सद्दाम हुसैन को ले आता है कि सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी है, कोई रावण को ले आता है। अरे भाई सीधा सीधा सवाल करो ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से किला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। सीधे बोलो ना कि पेट्रोल क्यों इतना महंगा है, बताओ मोदी जी, सीधे बताओ कि महंगाई क्यों है, सीधे बताओ कि बेरोजगारी क्यों है, सीधे बताओ कि मोरबी में जो है 136 लोग जो मर गए, 150 लोग मर गए, उनपे जो है पनिशमेंट किसी को दिया कि नहीं दिया, सीधे बताओ कि कौन सा मॉरल है आरएसएस और बीजेपी और संघ के पास कि जो है बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया आवाज बीजेपी का, वो प्रचार कर रहे 11 रेपिस्ट। तो इनके पास ना मॉरल है, ना इनके पास कैरेक्टर है, ना इनके पास जबान बढ़िया है, सिर्फ और सिर्फ ये बदतमीजी करके रावण को लाके, सद्दाम हुसैन को लाके सिर्फ जो है मुद्दे से देश को भटका रहे हैं और इसीलिए आज जो है देश इस कंगाली की हालत में है। गुजरात में है क्या? आज गुजरात में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लीजिए, किसी से भी इंटरव्यू ले लीजिए, 12वीं से नीचे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे, ज्यादातर लोग गरीब है, छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं, सबके सब परेशान है। गुजरात मॉडल कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो स्वर्ग से लाके रख दिया गया, लेकिन इनकी नौटंकी रावण, इनकी नौटंकी सद्दाम हुसैन, इनकी नौटंकी किसी और का नाम ले आएंगे। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि गुजरात कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि जिसको स्वर्ग से उतार दिया गया हो धरती पर। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ईशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर भी हैं। ईशान सीधे आपके पास आते हुए, अब बदजुबानी में तो आपके भी नेता कम नहीं है, कंस की औलाद बताते हैं दूसरी पार्टियों को और खुद को ही कृष्ण का अवतार बताने लगते हैं, तो बदजुबानी तो यहां पर भी फर्राटा रफ्तार भर रही है। चित्रा जी सबसे पहले तो जिस प्रकार का माहौल अपना एक बड़ा सा एक गुब्बारा क्रिएट करने के बाद कोई भी बंदा ऐसा बोलता है कि मेरे राज्य में ये है, मेरे राज्य में सुख है, शांति है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे देखें तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर चलो एक तरीके से मान भी लें कि ये ऐसा है कि भगवान के वंशज हैं, भगवान के अंश हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ पे जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचेंगे? यहाँ पे लीकर कांड में मर जाते हैं, मोरबी कांड में मर जाते हैं, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आक्षेप करना शुरू कर देते हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भी बदजबानी, केजरीवाल जी ने तो शुरू नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर इस प्रकार की बहुत ही घटिया राजनीति करनी, किसी को उसके ऊपर कोई मुसलमान के कपड़े पहना देने के और साथ में भगवान का और मुस्लिम धर्म दोनों का अपमान करना, इस प्रकार की भाजपा की घटिया राजनीति है, तो उसका कोई जवाब अगर देना चाहे और उसको बदजबानी करार दिया जाए अगर, लेकिन तो फिर किसी को अगर कोई ऐसा गंदी हरकत करेगा तो उसको हम किसी को ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं भैया आप बहुत बड़े अच्छे आदमी की औलाद हो, उसको तो कंस की औलाद ही बोलेंगे क्योंकि कंस ने भी ऐसा ही खराब काम किया था। इस तरीके की जैसे माहौल बना हुआ है चुनाव के वक्त, इसमें कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही। क्योंकि अगर किसको वो बताते हैं, सीधे सवाल पर आइए ना सर, ऐसे घुमा फिरा कर नहीं, वो रावण की एंट्री करवा रहे हैं तो आप अपने विरोधियों को कंस की औलाद बता देंगे? माहौल कौन खराब कर रहा है, माहौल कौन खराब कर रहा है? रावण और कंस की तुलना अगर नेताओं से की जाएगी तो फिर ये बदजुबानी की कोई सीमा रेखा तो होती नहीं है। आप इधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे, क्या समाज और देश यही देखता रहेगा कि कौन कंस की औलाद है, कौन रावण की औलाद है और कौन रावण जैसा दिखता है? मुद्दों की कमी पड़ जाती है क्या नेताओं के पास? मैं लौटूंगी आपके पास, संगीत रागी जी भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। संगीत रागी जी सीधे आपके पास आते हुए, अब बदजुबानी तो चारों तरफ से की जा रही है, किसी एक पार्टी को तो इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्या मुद्दों की कमी हो जाती है नेताओं के पास, इस वजह से वो व्यक्तिगत हमले इस तरह से करते हैं कि किसी को कंस और किसी को रावण करार दिया जाता है? देखिए चित्रा जी, जब चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं तो कई बार अविधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं चुनावी समर में,
और यदि हम हेमंत बिस्व शर्मा को देखें तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा था कि अरे आप नेहरू जी की तरह लगिए, दाढ़ी बढ़ा करके आप सद्दाम जी की शक्ल से मिलना जुलना आपका दिख रहा है। तो थोड़ा सा वो एक ढंग से वो एक व्यंजना की शैली में एक एक टिप्पणी थी। ऐसी चीज़ें भारतीय राजनीति में बहुत सामान्य है और पहले भी लोग किया करते थे। बड़ा ये शैली जो है वो कोई ऐसी नहीं मानी जाती थी। अरे लेकिन देखिए क्या प्रेम हो गया, देखिए देखिए नहीं 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 सुनिए 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 मेरी बात, नेहरू जी जैसा दिखे, मेरी बात अरे रहने दीजिए, वो दाढ़ी यहाँ रखें, बहुत ज्यादा बढ़ाए, क्या लेना देना, मेरी बात जनता को क्या फर्क पड़ेगा कि उनकी दाढ़ी कैसी है। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात खत्म करने दीजिए। अब रही बात खड़गे जी का भाषा, एक एक आम आदमी पार्टी के उन्होंने वो हो सकता है कि वो उस दिन जन्माष्टमी के दिन उनकी पैदाइश नहीं हो, लेकिन वो कालनेमी के रूप में है भारतीय राजनीति में। तो वो जिस दिन उनको अच्छा लगता है उसी दिन कहते हैं कि यही दिन हम जन्म लिए थे। कभी कभी उन्होंने ये भी कहा कि हम रामनवमी के दिन ही पैदा लिए थे, चूंकि उनको जाकर के वहाँ बोलना था गुजरात में, तो उन्होंने कहा जन्माष्टमी के दिन पैदा लेते हैं। देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग, ये असंवदित अमर्यादित भाषा है। और प्लीज प्लीज धैर्य रखिए बंधु, धैर्य रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, अपने समय पे आप बोलिएगा। देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग आप तभी करते हैं जब आपको एक परिवार के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। इसीलिए और या तो ऐसी हो सकता है कि आप उस कुर्सी के योग्य नहीं है और आपको वहां बिठा दिया गया, तो आप कुछ अलग साबित करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति का नया प्रयोग नहीं कर पा रही है। गुजरात में उसे लग रहा है कि हम कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को वहां मात दे सकें। यही हाल अरविंद केजरीवाल का है, उनको नहीं लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात दें, इसलिए वो इस प्रकार की बौखलाहट में असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो कभी भी आप देखिए, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के मुद्दे को लेकर के आते हैं, लेकिन आप जैसे ही कहते हैं अरे भाई आपका एक मंत्री जो है वो मसाज करते हुए पकड़ाता है, दूसरा मंत्री सेक्स रैकेट में पकड़ाता है, तीसरा मंत्री जो है आबकारी नीति के अंदर फंसा हुआ है, चौथा किसी और चीज में फंसा हुआ है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी आप स्वयं जारी करते हैं। आप शीला दीक्षित के लिए बहुत सारी ये दिखाया करते थे, और आप सर्टिफिकेट जो है अपने पार्टी के लिए आप एक अलग क्राइटेरिया बना करके रखते हैं, एक अलग स्टैंडर्ड बना करके रखते हैं। यदि आप गुजरात के चुनाव में जा रहे हैं तो इस प्रकार की जब भी आप भाषा, चाहे वो खड़गे जी करें या अरविंद केजरीवाल पढ़ें, ये दोनों चीजें उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात का इतिहास हम तो 2002 से देख रहे हैं। सोनिया गांधी में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर का प्रयोग किया। अरे लेकिन आपने देखा तो हर जगह अब डिबेट में भी शुरू हो गई है ना, या ये कालनेमी जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। कालनेमी कोई गाली नहीं है, कालनेमी का ये स्वरूप ये था कि वो साधु का वेश था लेकिन अंदर से प्रवृत्ति राक्षसी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो दिल्ली दंगे के लोगों को संरक्षण देते हैं, दूसरी तरफ गुजरात में जाकर के जय श्री कृष्ण का नारे लगाते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए स्वभाव इसका क्या बोलेंगे? ये साधु का स्वभाव है क्या? साधु का स्वभाव तो अलग ही स्वभाव होता है, इसीलिए किसी नेता से आप कहेंगे तो उसको बदजुबानी ही कहा जाएगा ना संगीत रागी जी।